साहिबगंज जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव रविवार को 5 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं चुनाव संपन्न कराने को लेकर संथाल परगना क्षेत्र के दुमका और देवघर से 5 पर्यवेक्षकों की टीम साहिबगंज पहुंची थी। बता दें कि जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर संध्या 5 बजे समापन हुआ। उसके उपरांत वोटों की गिनती देर शाम 7 बजे संपन्न हुई। वहीं पर्यवेक्षकों ने मतगणना संपन्न होने के उपरांत घोषणा करते हुए बताया कि जिला पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर पुलिस सवर निरीक्षक नीतीश कुमार राय विजयी रहे। वहीं चुनाव में नीतीश कुमार राय ने अध्यक्ष पद के लिए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सहायक पुलिस सवर निरीक्षक अवधेश पाठक को 33 वोट से पराजित किया। जानकारी देते हुए बताया कि अवधेश पाठक को 65 वोट प्राप्त हुए तो वहीं नीतीश कुमार राय को 98 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पुलिस अवर निरीक्षक निरंजन कच्छप को 124 मत लाकर विजयी हुए। साथ ही सचिव के पद पर सहायक अवर निरीक्षक जीवंतिक दातो, संयुक्त सचिव के पद पर सहायक अवर निरीक्षक रामनाथ पासवान विजयी रहे। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के पद पर सहायक अवर निरीक्षक योगेश प्रसाद यादव को 102 वोट मिले और विजयी हुए। मतगणना की घोषणा के उपरांत पर्यवेक्षकों के द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर सभी को सम्मानित किया गया। मौके पर पर्यवेक्षक हरेंद्र कुमार राय ने आज दिनांक 17/4/2022 को साहिबगंज पुलिस केंद्र में एसोसिएशन का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार राय निर्वाचित हुए हैं, अध्यक्ष के लिए निरंजन कच्छप निर्वाचित हुए हैं और कोषाध्यक्ष पद के लिए योगेश प्रसाद यादव निर्वाचित हुए हैं और संयुक्त सचिव के लिए रामनाथ पासवान निर्वाचित हुए हैं। इन सभी लोगों का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। हमारे साथ जो आए हैं क्षेत्रीय मंत्री कोयला क्षेत्र सुरेंद्र प्रसाद, क्षेत्रीय मंत्री देवघर सत्येंद्र प्रसाद और देवघर के सचिव और अध्यक्ष दोनों हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन लोगों के हम लोग सभी लोग अपना अपना प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके जीते हुए प्रत्याशी को देकर हुआ। सभी लोगों में उत्साह देखा गया, सभी लोग शांतिपूर्वक चुनाव का सराहना किए। साथ ही सभी जीते हुए प्रत्याशियों को पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और एक दूसरे के बीच मिठाई का भी वितरण किया। वहीं मौके पर वर्तमान पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष नीतीश कुमार राय ने मीडिया को बताया, पुलिस समाज की जीत है और पूरा पुलिस समाज की भलाई के लिए जो भी दिक्कत आती है, जो भी परेशानी आती है, उसका निदान के लिए हम लोग जो भी विधिवत हर संभव बड़ा से बड़ा कदम होगा, कुछ और तरीका से उसको उठाए, यही हमारा कहना है। और इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को अगला कार्यकाल के रूप में कार्यकाल में मौका देने के लिए और सब मिलजुल के सभी समाज के सहभागिता से हम लोग टीम बनाकर पुलिस समाज की भलाई के लिए काम करें।